हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स पीरियड। नाउ टुडे ऑन कोडिंग एंड डीकोडिंग, मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम करेंगे। और इसमें भी मैंने प्रीवियस वीडियो की तरह डिविजन्स किए हैं, पार्ट वन पार्ट टू। तो आज हम पार्ट वन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट वीडियो, जिनका लेवल अ बिट हायर होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीडियो। सो बहुत सारे नंबर न्यूमेरिक वेज होते हैं इनको याद करने के। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है आपका ये वाला ई ज्योति वाला, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि ई की पोजीशन 5 है, फिर मल्टीपल्स ऑफ 5 में जाते हैं, ठीक है। तो जैसे टी है, टी का नंबर होता है 20, इसका पोजीशन देखिए टी का 20, तो आप इसको याद रख सकते हैं, टी 20 मैच होता है। किंग्स 11 होता है, तो ऐसे इसको याद रखा जा सकता है। तो मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं इनको याद करने की। बट व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट, दिस इज ट्रिक नंबर वन, सिंपली राइट ऑल द अल्फाबेट्स इस ऑर्डर में। इससे दो चीजें हो रही है, एक तो नंबर्स पता चल रहे हैं और दूसरा ऑपोजिट्स पता चल रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपको एक सेट रूल बताऊंगी जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इजीली क्रैक हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हम पार्ट वन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लीस्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। इन अ सर्टन कोड फायर इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर दिस वर्ड शॉर्ट, ठीक है। लास्ट लेटर बताया, पूरा कोडिंग नहीं करनी है, सिर्फ लास्ट लेटर बताना है। तो हमेशा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ऐसा सेट रूल बता रही हूँ जो आपको फॉलो करना है, चाहे कितने भी हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस हो, हमेशा वो ही करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है फायर को इस तरह से। मेरा कंसर्न सिर्फ लास्ट से है, तो हम सिर्फ लास्ट लेटर ही देखेंगे। आपके पास ये जो रफ है वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने लिख दिया है। नाउ सी, लास्ट लेटर पे फोकस करिए। जब ई था तो किस पे कोड हो रहा है, सी पे कोड हो रहा है। ई का पोजीशन 5 है और सी का पोजीशन 3 है, मतलब कि यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। ट्रिक भी समझ लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू। ट्रिक है कि जैसे ही आप कोडिंग वाले वर्ड्स लिखेंगे, पहले रफ में लिखना है आपको, यहीं क्वेश्चन में नहीं करते जाना है। रफ में लिखोगे सारे इनके जो भी ये नंबर्स हैं वो लिखोगे। सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है, ठीक है। इसको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है इसके सीक्वेंस को, सिर्फ हमें नंबर्स लिखना है अभी। तो यहाँ पे टी का जो पोजीशन है वो होता है 20, उसमें से आप -2 कर दीजिए तो वो होता है 18, और 18 किस नंबर पे आ रहा है, आर पे आ रहा है, तो ये इसका कोड हो गया आर। तो इसने पूछा है कि लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड क्या होगा शॉर्ट्स का, दैट विल बी आर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज मेटाफर इज कोडेड एज दिस, देन हाउ इज अ नॉर्मल कोडेड। चलिए इस कोडेड वाले वर्ड पे, और आप देखेंगे कि ये जो कोडेड वर्ड है, जैसे यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि जैसे फायर है, अब ये जो लेटर्स हैं वो यहां नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हमें, मैंने आपको क्या बताया, नंबर्स लिख लो इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम आगे भी सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बस आपको एक बार ध्यान रखना है कि ये जो लेटर्स हैं क्या ये यहाँ पे हैं क्या। तो आप देख रहे हो एम ए टी एच ई, मतलब ये सारे लेटर्स यहाँ पर हैं, तो फिर कोई नंबर्स मत डालिए आप, फिर इसकी सीक्वेंस को समझने की कोशिश करिए। जैसे एम ई है तो ये ई एम आ रहा है, देखो, ठीक है। जब टी ए था तो ये ए टी आ रहा है, मतलब ये इंटरचेंज हो रहे हैं इनकी पोजिशन। पी एच था तो एच पी आ रहा है। बस इतना आ गया समझ में कि इनके दो दो लेटर्स जो हैं वो पोजिशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल है तो ये क्या आना चाहिए, ओ एन आना चाहिए। अगर आर एम है तो क्या आना चाहिए, एम आर आना चाहिए। और ए एल है तो क्या आना चाहिए, एल ए आना चाहिए। बस दैट्स इट। तो अब देखिएगा ऑप्शन में ओ एन एम आर ए एल है, ये ओ एन एम आर एल ए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज प्रैक्टिस इज कोडेड एज दिस, एंड हाउ इज अ फ्लेम्स कोडेड। पहले देख लो कि क्या ये वर्ड्स हैं क्या, जैसे पी दिख रहा है, आई दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर ए ई सारे दिख रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है यहां पर, ठीक है। एनी वर्ड से, तो कोई नंबर्स मत लिखिए, सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें। तो यहां जब मैं सीक्वेंस को देख रही हूं तो ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट और ये लास्ट जो है ना वो सेम होना चाहिए।
ऑप्शंस में देख लो कौन से कैंसिल हो रहे हैं। एफ और ई, एफ और एस सेम होना चाहिए, तो सब में ही एफ और एस सेम है। ठीक है, अब आते हैं इन चारों लेटर्स पे। देखिएगा ये तो सेम है, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, इनकी सीक्वेंस, ये जो बीच वाले हैं इनकी सीक्वेंस हमें समझनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सी और टी ना सेम सेम जा रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ इसका यहाँ पर इसके साथ प्ले करना है, इसके साथ इसकी सीक्वेंस को समझना है। तो जैसे आई सी है, ये आई सी यहाँ आ रहा है और ये आ रहे हैं, ये आ रहे यहाँ आ रहा है। तो समझ में क्या आ रहा है कि ये वर्ड यहाँ आया होगा, ये वर्ड यहाँ आया होगा और ये वर्ड यहाँ आया होगा। अब आपका जैसे वर्ड था फ्लेम्स, ठीक है, तो एफ और एस से कुछ नहीं करना। ये जो दो हैं वो यहाँ आए होंगे और ये जो दो हैं वो यहाँ आए होंगे, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है एफ, ये तो होंगे एफ एम ई, एफ एम ई एल ए एस। देखिए, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। नेक्स्ट देखते हैं, इफ हैप्पी इज कोडेड एज दिस देन क्रॉस इज कोडेड एज दिस। अब मैं यहां से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कितने भी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इनका कोई सेट वो तो है नहीं कि हमें लर्न करके जाना है या कुछ करके जाना है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। लेकिन यहां पे मैंने आपको बोला है कि मैं आपको एक सेट रूल बताना चाहती हूँ कि हर क्वेश्चन में चाहे कितने ही लेवल का क्वेश्चन हो हम अप्लाई कर पाए। तो जैसे आपको ये वर्ड्स, ये लेटर्स जो है वो यहां नजर नहीं आ रहे हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा सीक्वेंस को समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीधे रफ में लिखिए और उसके साथ नंबर लिखिए। तो अभी आप देखिए कि यही हमारा सेट रूल है चाहे कितने ही लेवल का क्वेश्चन आए। चलो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो आई हैव रिटन दिस इन अ रफ, ठीक है, हैप्पी, और ये वर्ड हमें कोट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला रफ में आप ये सारे लेटर्स फटाफट क्विकली लिख लीजिए, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। और सीधे आप इनको, इनके ऊपर ये जो है नंबर्स है वो लिखना शुरू करिए। जैसे एच है तो एच का नंबर 8 है, ये लिख लीजिए। फिर ये 1 हो गया, फिर P का नंबर आपका 16 है, 16 है, Y का नंबर 25 है। मतलब मैं ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर वो लिख रही हूँ, ठीक है, इनके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये नंबर्स यहाँ लिख लिए हमने। ऐसे जिस ये वर्ड है इसको हमें कोड करना है। तो C का होता है आपका 3, R का होता है आपका 18, O होता है 15, S होता है आपका 19, और ये नंबर्स हमने लिख लिए। अब हमें नंबर्स को देखना है और उसकी सीक्वेंस समझनी है कि यहाँ पर देखिए तो 8 के बाद 7 है, मतलब एक कम हो रहा है। 1 के बाद 2 है, मतलब एक ज्यादा हो रहा है। फिर 16 के बाद 15 है, एक कम हो रहा है। फिर ये एक ज्यादा हो रहा है और ये एक कम हो रहा है। तो हमें अब सीक्वेंस समझ में आ गई कि एक बार -1 करना है और एक बार +1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही करिए, एक बार -1 करिए 2, एक बार +1 करिए 19, फिर -1, फिर +1, फिर -1। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपने ये जो रफ में लिखा था ना सीधे उसको उठाइए और यहाँ पर लिखिए कि बी 2 किसका था, इसका था, 19 किसका था, इसका था, 14 किसका था, ये आपका एन का था, राइट, देन 20 इज 40 एंड 18 इज फॉर आर। तो बस ये आपका कोडेड आ गया बी एस एन टी आर, दैट इज बी एस एन टी आर, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसी रूल को फॉलो करेंगे, बस एक सेकंड आपको बस इसमें टाइम लगेगा लिखने में। प्रॉपरली एक बार लिख लिया तो आपका फिर कहीं भी मार्क्स लूज नहीं होगा। बस ये इंपॉर्टेंट है, मार्क्स सीधा मिलेगा और कहीं सीक्वेंस समझने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है लेटर्स में, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इफ क्राई कैन बी कोडेड एज दिस देन गेट कैन बी कोडेड एज वॉट। तो यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम कोडेड पे देख लेंगे कि ये जो है ना क्राई, ये वर्ड हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब गेट, इन्हीं नंबर्स को इंटरचेंज करके हमें करना है ये। और यहाँ एम एम सबके अंदर है। तो अब आप इस सीक्वेंस को देखिए कि ये है आर वाई और सी, आर वाई और सी है। ठीक है, तो ये हो गया आर, सेकेंड वाला लेटर आएगा। फिर उसके बाद ई टी और जी आना चाहिए। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पहला वाला जो सी है वो तो यहाँ पर आ गया, तो जैसे जी है तो वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हो सकता है। फिर आर यहाँ पे आ रहा है, तो आर यहाँ पे
पहली पोजीशन पे आ रहा है इसमें, तो ई यहाँ पर आएगा, तो ये देखो ये आ जाएगा फिर आपका आंसर, एम ई टी जी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इफ द वर्ड सीरीज कैन बी कोडेड एज दिस देन द वर्ड एक्सपर्ट कैन बी कोडेड एज वॉट. तो देखिए मैंने यहाँ पर रफ में लिख लिया है, ठीक है, सीरीज का कोड ये है और एक्सपर्ट का कोड ये है. तो जो हमारे पास ये नंबर सीक्वेंस है, हम सबसे पहले इसी के हिसाब से मूव करेंगे. तो यहाँ पे S का है 19, E का है आपका 5, देन दिस इज योर 18, दिस इज योर 9, दिस इज अगेन योर 5 एंड दिस इज योर 19. यहाँ पर आते हैं 17, ये हो गया 3, देन दिस इज 7, दिस इज 20, दिस इज 7 एंड दिस इज योर 21. ठीक है, अब हमें सीधे इस नंबर्स पे वर्क करना है कि क्या हो रहा है. सीक्वेंस देख लो, जैसे 19 से 17 तो मतलब दो माइनस हो रहा है, 5 से 3 अगेन दो माइनस हो रहा है, 18 से 17 अब यहाँ क्रैक हो गया, 2 माइनस नहीं हो रहा, बहुत लार्ज गैप है. मतलब जो हम सोच रहे हैं 2 माइनस वाला, वो कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा. अब आप यहाँ लास्ट से शुरू करिए, क्योंकि पहला और लास्ट लेटर सेम था, तो लास्ट से शुरू करते हैं. जब 19 था तो 17 हो रहा है, मतलब 2 माइनस, 5 था तो 3 हो रहा है, अगेन 2 माइनस, 9 था तो 7 हो रहा है, अगेन 2 माइनस. तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये वाले जो 3 हैं, इनमें क्या हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है. अब इधर आ जाइए, R ये आ रहा है 18 था और ये 20, मतलब इसमें हो रहा है प्लस 2, 5 था 7, मतलब इसमें भी प्लस 2, 19 था, मतलब ये वाले जो 3 हैं उनमें हो रहे हैं प्लस 2 वाली पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो पहले एक्सपर्ट का लिख लेते हैं हम इनके ऊपर, 18 एंड 20, ठीक है. तो अब पहले तीन में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, दो माइनस हो रहे थे. तो यहां पर देखिए 20 है तो 2 माइनस करोगे तो 18, इसका करोगे तो 16, इसका करोगे तो 7 आ रहा है. फिर आप क्या देख रहे थे कि ये था तो यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही इस पे था तो प्लस 2 कर लीजिए, इस पे था तो प्लस 2 कर लीजिए और इस पे था तो प्लस 2 कर लीजिए. अब आपको कुछ नहीं करना, 18 है तो इसमें देख लीजिए R आ रहा है, 16 है तो P आ रहा है, 7 है तो G आ रहा है, 18 है तो अगेन R आ रहा है, 26 है तो Z आ जाएगा और G आ जाएगा. तो दिस इज योर आंसर. प्लीज मूव अकॉर्डिंग टू दिस, प्लीज लर्न मत करिए वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिससे आपको ये आपको कभी गलती है, बिकॉज नंबर एनालॉजी में आपको इतना तो समझ में आ गया कि पैटर्न्स जो हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए, उन्हीं को यहाँ अप्लाई करें, राइट. सो आंसर बात कर लेते हैं हम. आंसर है हमारा RPG, और आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी स्टूडेंट्स. देखो थर्ड नंबर में भी माइनस 2 हो रहा था और मैंने इसको गलती से प्लस 2 कर दिया, आई एम रियली सॉरी. 3 आएगा, 5 माइनस 2 आएगा, क्योंकि पहले तीन नंबर्स में माइनस 2 हो रहा था. तो ये सी होता है, 3 होता है सी का कोड. तो RPC RZ वो वाला जी ऑप्शन में ही नहीं था क्योंकि गलती हो गई थी, ठीक है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो इफ मंकी इज कोडेड इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिस, हाउ द टाइगर विल बी कोडेड. सो हियर आई हैव रिटन दिस, और यहाँ पे मैंने पहले से ये आपके नंबर्स लिख लिए सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो. आई टोल्ड यू ये लिस्ट जो है वो आपने शायद लिखी हुई होगी अभी, तो आपको सिंपल इसमें से ऊपर यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं. सिमिलरली इसको कोट करता है, और अब हम इसकी सीक्वेंस समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ 13 था तो 24 है, 15 था तो 4 है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा गैप है, 2 फिर ये 9, सीक्वेंस कोई क्रिएट नहीं हो रहा. उल्टा चलेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, 25 था तो 24 है, 5 था तो 4 है, तो यहाँ से एक सीक्वेंस आ रही है कि लास्ट लेटर में माइनस 1 हो रहा है, फिर इसमें भी माइनस 1 हो रहा है, तो इसी के नीचे लिख दिया. 11 था तो 10 था,
14 था तो मेरे को लग रहा है सब में ही हो रहा है, 15 था तो ये था और 13 था तो ये हो रहा है, तो मतलब उल्टा चलना है और सब में माइनस माइनस 1 करते चले जाना है। तो जैसे आर है तो आप माइनस 1 करिए, 17 हो गया, इसमें माइनस इसमें माइनस 1 करिए 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 19। अब जहाँ आपने ये लिखा है उसमें से सीधा देखते जाइएगा, 17 जो है वो आपका हो गया Q, देन 4 जो है वो आपका हो गया D, 6 विल बी योर F, 8 विल बी योर H एंड 19 विल बी योर S। तो Q, D, F, H, S जो है दैट विल बी योर आंसर, Q, D, F, H, S। तो आई होप आपको ये पैटर्न बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ यही फॉलो करिएगा, क्योंकि जब इन क्वेश्चंस में मार्क्स लूज करते हैं तो रियली में बहुत दुख होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इज कोडेड एज दिस एंड हाउ विल द क्राफ्ट विल बी कोडेड। तो चलिए पहले रफ में लिखते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन और हमें क्राफ्ट का कोडेड लैंग्वेज ढूंढना है। तो अभी एक बार हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि पहला और ये जो है वो सेम रह रहा है, बट यहाँ पे हम एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे कुछ ये जो लेटर्स है ना ये एज इट इज ही लिख रहे हैं, ठीक है, और ये एक्स 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 सेम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई नंबर्स का कुछ रोल नहीं लग रहा क्योंकि सारे एक्स एक्स सेम आ रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पर यू था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ए था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब वॉवल्स हैं, ए इज अ वॉवल तो उसको कोडिंग दे दिया एक्स, देन यू इज अ वॉवल इसको देखो कोड कर दिया एक्स पे, ओ इज अ वॉवल तो इसको कोड कर दिया एक्स पे, और जो वॉवल नहीं है उसको एज इट इज लिख दिया। दैट्स वाई इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका ये वॉवल नहीं है, ये नहीं है, ए इज अ वॉवल कोड कर दीजिए एक्स पे, ये नहीं है और ये नहीं है, तो सीधा सा आंसर आ गया ये, तो आंसर हो गया सी आर X F T, this will be the answer for this question. So this is a very very good question. कुछ unique different question लगाई है मुझे as compared to the other questions. Next question देखिए यहाँ पे, if Q is coded as this, then what do the letters this stand? बहुत different question है, language समझना है सबसे पहले। तो ये एक word दे रखा है जिसको इस पे code कर दिया, यहाँ पे coded आपको word दिया हुआ है और आपको ये वाला word निकालना है, तो लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख दिया है स्क्यू इट इज कोडेड एज दिस, ये आपका कोडेड वाला वर्ड है, इसके नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कोडेड वाले जगह पे आप लिख दीजिए ये जो है जे वाई क्यू वी, और ये वाला ऊपर वाला हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका नंबर लिख लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 25, 22 होता है अभी, ठीक है, ये लिख दिया। अब एक बार पैटर्न जो है वो एनालाइज करके फिर हम ये वर्ड जो है वो देखेंगे। तो देखिएगा हम यहां से स्टार्ट करें क्योंकि ये गिवन है ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी आपको पूरा ये ऊपर वाला वर्ड लिखना है। जब 16 था तो 19 हो रहा है ना, मतलब 3 ऐड हो रहा है, सॉरी 15 था तो 11 मतलब 4, 3 था तो 2 मतलब 2 ऐड हो रहा है, 25 था तो 23, तो ये तो कोई 16 था तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 हमें ऐड करना है, यहाँ पे 15 था तो 11 मतलब माइनस 4 करना है, 3 था तो मतलब माइनस 2 करना है और यहाँ पे माइनस 2 करना है। सो देखिएगा, सो यहाँ पे आपको यही करना है, जब 16 था तो प्लस 3 करें, तो 10 था तो यहाँ पे प्लस 3 करोगे तो 13 आएगा, फिर माइनस 4 करना है तो 21 आएगा, फिर 2 ऐड करना है तो 19 आएगा और 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 20 आ जाएगा। तो जब आप इसके लेटर्स देखेंगे तो ये आ रहा है आपका M, 21 आपका जो होता है वो U होता है, ये आपका S होता है और ये आपका T होता है, तो आपको ये वर्ड मिल गया दैट इज मस्ट, सो आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट देखिए, सीरीज इट इज कोडेड एज दिस देन एक्सपर्ट विल बी कोडेड एज व्हाट। शायद ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड हो गया, सॉरी, देखिए ये हमने यहीं कर लिया था सीरीज वाला,
देन एक्सपर्ट विल बी कोडेड एज दिस. सो स्टूडेंट्स ये वाला तो हमें करना नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है. नाउ अ प्रैक्टिस सेट फॉर यू नाउ एंड सो स्टूडेंट्स दीज आर द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस जो कि आपके पार्ट वन पर बेस्ड है. सो ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट टू मतलब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आप इसके जो आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द आंसर्स फॉर ऑल द प्रैक्टिस सेट्स जो मैंने आपको नंबर एनालॉजी के प्रीवियस वीडियो में दिए थे. हाँ प्रैक्टिस सेट वन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो यहां पर देखिएगा गोज ऑन. तो ऑप्शंस तो हमें देखने नहीं है, हम फटाफट क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं. दैट इज योर 526. हमेशा क्वेश्चन को सेपरेटली लिखिए एंड देन सॉल्व. ठीक है, तो उससे आपको समझ में आएगा. वंस यू विल सी दिस नंबर तो यहां से हम देखते हैं स्क्वेयर्स के आसपास है या नहीं. तो ये 5 स्क्वायर प्लस 1 हमारा बन रहा है. तो यहां से इजिली कनेक्ट हो रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है एंड दिस इज प्लस 1. सो यहां से वी गॉट एन आइडिया कि ये 7 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए एंड आंसर मस्ट बी 50 फॉर दिस क्वेश्चन. सो यस दिस इज अवेलेबल. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 50. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट हमें याद रखनी है. यहाँ पर दिस इज नॉट इन प्राइम नंबर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्वेयर्स नाउ कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं. 35 से आइडिया आ गया कि ये जो है वो 6 स्क्वायर माइनस 1 होगा. ठीक है ना, 36 माइनस 1. तो यहां से एक बार देखते हैं कि अगर 11 स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है क्या. सो यू कैन सी 120 जो है वो है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 120. नेक्स्ट देखें, दैट इज 189 एंड सो ऑन. सो 189 जो है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ठीक है 8 को आप लिख सकते हैं 2q एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं इससे कि ये जो है ये इसका नेक्स्ट नंबर का क्यूब बन रहा है. तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 और उसका क्यूब दैट इज योर 64. तो मस्ट बी अवेलेबल. तो ये देख रहे हैं आप ऑप्शंस में है 64. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3, 16, 7 एंड व्हाट पे प्राइम नंबर्स ये नहीं है. इसको सबसे पहले हम स्क्वायर से कनेक्ट करते हैं. तो 2 हम लिख सकते हैं इसको 2 स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया आपका 4 स्क्वायर हो गया ये, है ना 16. इट इज 4 स्क्वायर. अगेन इसको स्क्वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, है ना. स्क्वायर से ना करके अगर ऐसे कनेक्ट करें तो ये देखिएगा सारा हमने 2 के प्लेस में दिया है. सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पावर है ये सेम जा रहा है ना. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 3. अब आप देखें यहाँ पे कि इट मस्ट बी अवेलेबल इन द ऑप्शन. तो 64 जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज योर 3, 10, 8 एंड सो ऑन. तो हम इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3² + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 9 हो गया. अगर इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2² - 1 हो गया ये, ठीक है. और इसको अगर इसकी टर्म्स में -1 + 1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 अगर हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो जब आप इसका सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, तो आप इसको नेक्स्ट नंबर में, जैसे -1 + 1 आ रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट नंबर में हम प्लस वन करेंगे. 2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 3² आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 4² आना चाहिए, मतलब 16 + 1 आना चाहिए. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 17. 1, 4 एंड 8 है, तो अभी हम 1 का कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ इसको लिख रहे हैं. ये आप लिखा जा सकता है एज 2² राइट. जैसे इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पे इसको 3² - 1 भी लिख सकते हैं, यस, या फिर हम इसको 2³ भी लिख सकते हैं. ये भी तो स्ट्राइक कर सकता है कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. तो अब हम इसको कैसे कनेक्ट करें, अगर ये पहला वाला 1³ होगा तो ये 2³ हो गया, है ना. अगर ये 2³ है तो इसको क्या होना चाहिए था, 3² मतलब 9 होना चाहिए. ऑप्शन में देखिए नहीं है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है जब आप क्वेश्चन को देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करें, बट वो इसलिए कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं दे रहा, ऑप्शंस में लार्ज नंबर दिया हुआ है, ठीक है. तो यहां इसको देखते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं. अब सपोज यहाँ पे अगर ये ऑप्शन होता तो यहाँ पे 1² - 1 नहीं हो सकता था, बिकॉज 0 नहीं आ रहा है, तो इसको 1² ही होना पड़ेगा अगर आप इस को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो. सो देयरफॉर अब दूसरा ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है. ये तो 2² ही होगा, इसको सपोज अगर मैं 1² लिख रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट नंबर का बेसिकली ये 1 + 1 का होल स्क्वायर हो रहा है. इस नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं कि इस नंबर में 1 ऐड करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 9 का स्क्वायर 81. सो ऑप्शन देखें, इट्स अवेलेबल, तो इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन फिट हो रहा है वो ये वाला हो रहा है. सो हियर आई एम ट्राइंग टू से कि आपके उस क्वेश्चन को देखकर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसे ये भी एक सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है, बट ऑप्शन देखकर हम लुकआउट करेंगे कि क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आंसर होगा हमारा, ठीक है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सो हियर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 81. यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ देखेंगे हम 11, 17, 19 एंड व्हाट नेक्स्ट. तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है जो अपना प्रायोरिटी लिस्ट है, बट हम एक बात नोट कर रहे हैं, 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आपका आता है 13. तो यहाँ पे ये एक प्राइम नंबर को स्किप करके चल रहा है, तो 19 के बाद 23 स्किप हो जाएगा. ऑप्शन में आपको वो हमेशा मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हमें एनालाइज करना है. तो एक प्राइम नंबर स्किप जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29. सो 29 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन. नेक्स्ट 8, 28, 15 एंड सो ऑन. तो अभी हम इसको, तो चलिए इस क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं. यहाँ पर जब हमने देखा, अगर हम इसको स्क्वायर्स क्यूब से रिलेट करते हैं, तो ये हो गया आपका 2³, नहीं हो पाएगा ना, 32 में से माइनस करना होगा. अच्छा ठीक है, ये भी स्क्वायर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा है. 3 में देख लीजिए एक बार, दिस विल बी 3² - 1, ठीक है, 9 - 1, ये भी 3³ के अराउंड आ रहा है, 27 + 1 आ रहा है. बट यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो कोई और ऑप्शन देखें, 16, 4,
एक बार हम सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स इसको ये 4 के स्क्वायर के पास में, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, तो यहां से एक सीक्वेंस जनरेट हो गई कि यहाँ 3 स्क्वायर माइनस 1 था तो 3 क्यूब प्लस 1 है. तो अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 4 क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, मतलब 64 प्लस 1 होना चाहिए और वो ऑप्शन में अवेलेबल है. सो आंसर विल बी दिस. सबसे पहले आप यहाँ पे इसको स्क्वायर्स या क्यूब्स के टर्म्स में लिंक करिए इसको, और 4 प्लस 4 हो सकता है, 64 अगर क्यूब्स में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा. ठीक है, एक बार इसको देखें तो ये होता है 5 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा, 5 क्यूब होता है 125, ये हमें नहीं पता. इसको अगर हम देखते हैं तो ये 343, 7 का क्यूब होता है, प्लस 7 हो जाएगा. तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो बेसिकली 6 क्यूब प्लस 6 होगा आपका. ठीक, तो 6 क्यूब प्लस 6 आ रहा है तो ये हो गया आपका 216 प्लस 6 121, दैट इज 22, ये आपका आ गया. तो आंसर आपका हो जाएगा डबल ट्रिपल 2. यस, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. नेक्स्ट देखिए 324, 5 एंड सो ऑन. तो अभी हम देखते हैं ये 3 के क्यूब का से हम इसको लिंक कर सकते हैं. ठीक है ना, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. है तो इसको आप 3 से कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, लेट इट बी 3 ओनली. और एक बार ऑप्शन में सर्च आउट करें कि अगर ये 5 क्यूब माइनस 5 है तो क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है क्या. सो आप देखेंगे 120 इट इज देयर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. सो ये हो गया आपका 5 क्यूब माइनस 5. नेक्स्ट है 2612 एंड सो ऑन. प्रीवियस नंबर से कनेक्ट करें एक बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, 4 प्लस दिस, ये हो जाएगा 9, दिस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं. ये तो अब इजीली एक सीक्वेंस क्रिएट हो रही है कि हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 20. सो प्लीज एनालाइज कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाए, बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जब हम क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की सीक्वेंस को क्रिएट करना. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिस सेट 2. सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका ये है. तो अभी जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा है, हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं. प्राइम नंबर्स ये नहीं है. स्क्वायर्स पे जाएंगे तो ये 5 स्क्वायर हो रहा है, ये 6 स्क्वायर हो रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो देयरफॉर ये इस पे अप्लाई नहीं हो सकता. और अगर हम 3 की टेबल में जाएंगे, सपोज उसको 3 क्यूब माइनस 3 लिखते हैं एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 क्यूब माइनस 2, तो इसको जब आप रिलेट करेंगे तो ये कहीं पे भी रिलेट नहीं हो रहा है. 3 क्यूब मतलब माइनस में नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो ये सीरीज फॉर्म नहीं हो रही है. सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, इससे ट्राई करके देखेंगे. अब यहां पर देखिए मिडिल वाला नंबर जो है ना वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है. सो वी विल ट्राई कि यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 स्क्वायर्स भी अवेलेबल है, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर. ट्राई टू कनेक्ट इट. तो जैसे आपने अपना पहला वाला नंबर देखा तो आप देख रहे हैं कि ये 5 ऐसे भी बन सकता है. यस, ऐसे बन रहा है ये 2 प्लस 3 और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है. सो यही मेथड हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि अगर 6 प्लस 3 करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये ऑप्शन में अवेलेबल है. तो मतलब कि यहां पर ये मेथड जो है वो अप्लाई हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 81. नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपका ये था, सारे बिग नंबर्स हैं, ऑप्शंस पे जा रहे हैं तो वो भी बिग नंबर्स हैं. तो व्हेनेवर द नंबर्स आर वेरी लार्ज, स्क्वायर्स तो क्यूब्स तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, प्राइम नंबर्स रिजेक्ट हो गए. लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द डिजिट्स. तो जब भी आप इतने लार्ज नंबर देखें हमेशा सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स ही अप्लाई करें, मैक्सिमम टाइम्स फिट इन हो जाता है. तो इसका सम करके देख लें तो ये आपका आ रहा है 16, इसका सम करके देखें ये आ रहा है 20, इसका सम करते हैं तो ये आ रहा है आपका
14. तो अब समझ में आ रहा है कि ये जो गैप है इसमें प्लस 4 हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसका सम 18 हो. सो लुक आउट फॉर द ऑप्शंस जिसका सम 18 आ रहा है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर जो है उसका सम आपका 18 है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. नेक्स्ट नंबर देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बिल्कुल ही स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर आ रहा है. करते हैं एक बार स्क्वायर से कनेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट हम हमेशा स्क्वायर ही ट्राई करते हैं या क्यूब से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो सपोज अगर ये है तो इस नंबर को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं. एक तो आप लिख सकते हैं 2³ - 1, एक आप लिख सकते हैं 3² - 2. यहाँ पे इस बिग नंबर को आसपास सिर्फ 5 क्यूब है, दैट इज इक्वल्स टू 125 होता है आपका, और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 8, है ना. यहाँ पे ये हो रहा है 3² तो यहाँ कहीं पे भी ये वाला सीक्वेंस ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फॉर्म हो रहा है. ठीक है, स्क्वायर क्यूब से भी नहीं हो रहा है और दिस इज रिजेक्टेड. सो 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी नहीं आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तब भी नहीं आएगा. तो जब कुछ भी फिट इन नहीं हो रहा है, सम करके देख लीजिए इसका जो सम आ रहा है, इसका जब हम सम कर रहे हैं तो ये सम आ रहा है आपका 7, मतलब यही नंबर मिल रहा है. तो एक बार ऑप्शन में देखते हैं कि कोई नंबर ऐसा है जिसका सम आपको 9 मिल रहा है क्या. तो ये तो 11 या 18 आ गया और ये आपका 171 जो नंबर है वो आपको 9 दे रहा है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है वो क्या लगाया है, सम ऑफ द डिजिट्स का. देखें सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना क्यूब्स वाला फॉलो कर लेते हैं, जैसे 4² + 1 हो गया और ये हो गया 4³ - 4 हो गया, ये हो गया 4² + 4. कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई सीक्वेंस ही क्रिएट नहीं हो रही है. और क्या कर सकते हैं, 3³ पे जाएं, 3³ - 10 हो गया, देन दिस विल बी 4³ - 4 हो गया, दिस विल बी 3³ - 7 हो गया. अगेन द सीक्वेंस इज नॉट क्रिएटेड, क्यूब में जा रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये मेथड अप्लाई नहीं होगा इसमें, स्क्वेयर्स एंड क्यूब. जस्ट लुक आउट फॉर द सम नाउ, इसको ऐड करिए तो 6 आ रहा है और इसको ऐड करेंगे तो 2 आ रहा है. अब फिर से ये में 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ ऐसा देख सकते हैं जिसका सम 4 है, तो यहाँ तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि जिसका सम 4 आ रहा है. तो ये भी अप्लाई नहीं होगा, सम ऑफ द डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा. जब कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो मल्टीपल्स पे जाएंगे. 17 के टेबल में नियर अबाउट नंबर फाइंड आउट करें आप इधर एक बार. तो 17 3 होता है 51 + 9, ठीक है. एक बार ये ही मेथड यहाँ अप्लाई करें, 20 × 3 + 9 69. चेकआउट करें ऑप्शन में है क्या, यस इट्स अवेलेबल इन द ऑप्शन. सो आई टोल्ड यू कि जब कुछ भी अप्लाई ना हो, हमने तीनों मेथड अप्लाई कर लिए, तो एक बार मल्टीपल्स भी देख लो कि क्या 17 के टेबल में क्या हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं क्या. तो एक बार मैंने ये ट्राई किया कि 17 × 3 + 9 और यहीं पे 20 × 3 + 9, तो ये ऑप्शन में अवेलेबल था 69. सो देयरफॉर आंसर आपका जो हो गया वो ये हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है. हम यहाँ पे मल्टीपल्स वाला ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि ये 7 की टेबल में आ गया, ऐसे. और थोड़ा सा अगर देखें तो ये मतलब अगर ये 2 था तो यहाँ पे 6 आ रहा है, है ना. यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है. तो अगर ये नंबर ऐसा है तो एक बार हम ये देखते हैं कि ये ऑप्शन में है क्या. 29 है, ओके. तो दिस इज नॉट फॉलोइंग, क्योंकि हम व्हाट आई एम ट्राइंग स्टूडेंट्स कि जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखेंगे तो ये ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीपल्स. तो इससे हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम में हमारा आंसर जो है वो आ जाए.
तो फर्स्ट टाइम मल्टीपल्स वाला ऑप्शन इसमें फिट नहीं हो रहा है, सम वाला देख लो एक बार, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 11, अगेन कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं हो रही 6, 5 एंड 11 में से, ये वाला नंबर कैसे आ रहा है ये हम देख सकते हैं इसमें। सो लेट्स फाइंड इट आउट। अब मैं आपको एक डिफरेंट सा, क्योंकि जब कुछ भी समझ में ना आए, ना मल्टीपल्स ना सम ऑफ द डिजिट, स्क्वेयरिंग्स इसमें नहीं जाएगा क्योंकि कहीं भी स्क्वेयर से ये लिंक नहीं होने वाला है। सो वॉट आई एम टेलिंग यू कि कैसे हम एक न्यू मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि 4 + 2 आपको 6 मिल रहा है, 6 में जब मैं 8 को ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपका 14 बन रहा है। और ये 8 का लॉजिक क्या है, 4 × 2 है इस 8 का लॉजिक। एंड व्हेन यू विल सम दिस डिजिट यू विल गेट दिस वैल्यू। एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं कि जब 56 था तो 5 + 6 कर लीजिए और 5 × 6 कर लीजिए और इसका सम करके देखिए, तो इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 41। सो जस्ट लुक आउट कि इट्स अवेलेबल इन द ऑप्शन, सो इट्स देयर इन द ऑप्शन, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। सो ऐसे आपको 3-4 मेथड हैं, सम ऑफ द डिजिट्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, फिट इन नहीं हो रहा तो मल्टीपल्स पे जाएंगे, वो भी हमने ऑप्शन ट्राई करा, 28 था बट नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये भी मेथड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो यहां से जब मैं देख रही हूँ इस क्वेश्चन को, तो 2 + 1 = 3 दे रहा है, तो ठीक है सबसे पहले हम इसका सम करते हैं। तो जब आप इसका सम करेंगे तो 16 आंसर, अच्छा तो नंबर्स ही बड़े हैं तो 16 नहीं है, तो ये ऑल्टरनेटिव अपना कैंसिल हो गया। देन एक चीज और समझ में आ रही है कि देखिए ये जो है वो 3 × 7 है, ये वाला नंबर, प्रीवियस वाला नंबर 3 × 7 है। तो एक हम ऑप्शंस में से देखते हैं कि क्या कोई नंबर हमें ऐसा मिल जाए जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। ठीक है, तो लुकआउट करते हैं ऑप्शन में, तो 23 × 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो ये कैंसिल हो रहा है। 82 × 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, 8 × 7 होता है 56 एंड 5 = 74, तो यस तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 42, 20, 64 एंड सो ऑन। जब आप यहां पर देख रहे हैं तो ये आपको सीधा क्यूब दे रहा है 4 क्यूब का, बट उससे पहले कहीं भी क्यूब नहीं है, डायरेक्ट क्यूब नहीं है, ना ही स्क्वायर है। ठीक है, इवन ये आपको 8 स्क्वायर भी दे रहा है तब भी यहां से हम इसको लिंक नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे जाते हैं 2 के मल्टीपल्स पे जाते हैं एक बार, तो ये आपका हो रहा है 2 × 21, ये आपका हो रहा है 2 × 10, दिस इज 2 × 32 एंड व्हाट फॉलोज दिस। सो 2 के मल्टीपल में यहाँ कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं हो रही है, बट फिर भी अगर हम इसको 11 कर देते हैं तो ये आना चाहिए आपका, अगर हम यहाँ 11 ऐड करते हैं तो 43, तो ये आना चाहिए आपका 86 ऑप्शन में है, नहीं है। ठीक है, तो एक जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि ये इसका डिफरेंस 11 है 21 और 10 का, तो यहाँ पे भी हमने ये डिफरेंस ले लिया, बट इसका मल्टीप्लाई 86 आ रहा है जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। सम ऑफ द डिजिट्स देख लीजिए, ये 6 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, तो इनके बीच का 14 है, तो यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ द डिजिट्स में कि जिसका सम जो है वो 14 आए, तो ये 7 ये तो आएगा ही नहीं, तो अगेन दिस इज बीइंग कैंसल्ड। अब एक बार इस छोटे नंबर को इससे लिंक करने की कोशिश करते हैं, जैसे 20 और 42 है, तो 42 20 के टर्म्स में लिख कर देखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 20 2 40 हो गया और +2, फिर 64 है और ये नंबर हमें नहीं पता। ये हमारे दिमाग में इसलिए स्ट्राइक किया कि जब, क्योंकि जब हमने ऑप्शन देखा तो सारे 30s में जा रहे हैं, देखो ऑप्शन, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसको 64 चाहिए, यहाँ पे क्या नंबर होगा कि हम इस तरह से इसमें कर पाए। तो एक एक ऑप्शन में इसे ट्राई करते जाते हैं, पहला है 31, तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और +2 करिए, तो ये आ रहा है 62 और +2, तो ये पहला ही ऑप्शन आपको 64 दे रहा है, मतलब ये रूल जो है वो इस पे अप्लाई होगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 31। यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो आपको पता है
यूजुअली 5 का मल्टीपल या 10 का मल्टीपल होगा। ये आपको पता है डिविजिबिलिटी वाले रूल्स जो हमने अपने स्कूल लेवल में पढ़े थे, तो एक बार वो ही अप्लाई करके देख लेते हैं। 10 टू ज़ा 30 हो गया, वो हो गया 20। 10 थ्री ज़ा, यहाँ पे देख लीजिए 10, 11 एंड वॉट, तो यहाँ देख रहे हो उसका नेक्स्ट नंबर है, तो एक बार यही ट्राई कर लेते हैं। 11 तो क्या ये ऑप्शन में है क्या? तो अगेन दिस इज नॉट इन द ऑप्शन, तो इसका मतलब ये फिट नहीं होगा, यहाँ पे कोई और ही लॉजिक लगेगा। चलिए देखते हैं फिर द डिजिट्स। तो देखो 2, 3 और ये आ रहा है 2 आ रहा है ना, 2, 3 और इसको ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे 3 देखो, 3 आ रहा है क्या सम ऑफ द डिजिट्स? तो नहीं आएगा 3। सो व्हाट वी विल डू इज 20, 30, 10 इंटू 2 मल्टीपल्स के फॉर्म में ये नहीं आ रहा है। 5, 4 सा भी नहीं आएगा ये, 5, 6 30। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज कि एक बार स्क्वायर्स पे कनेक्ट करते हैं जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं। 20 के नियर अबाउट स्क्वायर होता है 5² - 5, 30 के नियर अबाउट होता है 6² - 6। अब इसको लिखते ही हमें समझ में आ गया कि यस ये स्क्वायर्स यहाँ पे फिट इन होगा। तो मतलब एक क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया है प्रैक्टिस सेट 2 का, 2 में, मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 में जाना चाहिए। देन 110 है तो ये हो जाएगा आपका 11² 121 - 11। अब ये हमारे लिए आसान हो गया इसको सॉल्व करना, तो 144 हो गया एंड दिस इज 132। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दिस। लास्ट क्वेश्चन आपका ये था प्रैक्टिस सेट 3 का, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था और इसमें मैंने आपको हिंट भी दिया था कि बिल्कुल स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर आ रहा है तो स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग पे जाएंगे। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, पहले वाले का तो 16 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आ रहा है एंड इट कम्स आउट टू बी 80। तो 80 को 208 से मुझे लिंक करना है, ठीक है? तो मतलब ये वाला ऑप्शन कहीं पे भी नहीं लग रहा है। एक बार क्यूबिंग करके देखेंगे, 4 का क्यूब कर रहे हो तो 64 और इसका क्यूब कर रहे हो तो 512, मतलब बहुत ही लार्ज नंबर आएगा। 208 तो वो कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो सो मीन स्टूडेंट्स कि यहाँ पे स्क्वेयरिंग एंड क्यूबिक नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ और ही अलग ही अप्लाई होगा। तो वो क्या हो सकता है, सम ऑफ द डिजिट्स करके देखेंगे अब, ठीक है? अब एक हम ऑप्शन करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, ऊपर दिए हुए डिजिट्स का भी सम करके और फिर उनका भी स्क्वायरिंग करते हैं। तो 4 + 8 है 12 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 144। तो इस नंबर से रिलेट करने की कोशिश करें कि 208 कब आएगा, जब यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, ये एक एडिशनल नंबर है, ठीक है? अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, एक बार ज़रा यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका सम ऑफ द डिजिट्स, तो ये हो गया 1 + 5 दैट इज योर 6। एक बार हम 6 का स्क्वायर करते हैं 36 और इसको चाहिए 61, तो ये आ रहा है 542। तो स्टूडेंट्स यहां से जब हमने इसको थोड़ा सा सम ऑफ द डिजिट्स और स्क्वायरिंग का कॉन्सेप्ट लगाया और इस नंबर से उसका डिफरेंस लेकर देखा, तो यहाँ पे आता है 64 और यहाँ पे आता है 25, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है? और वो भी कौन से नंबर का? बड़े वाले नंबर का, 8 का स्क्वायर। जैसे ये बड़ा नंबर है तो 8 का स्क्वायर और यहाँ पे ये बड़ा नंबर है तो 5 का स्क्वायर। देखें यहाँ पर, देखिए ये बिग नंबर का स्क्वायरिंग करके उसको ऐड कर रहा है। तो जैसे यहाँ है तो यहाँ पर भी यही लॉजिक देखते हैं, क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स करना है 3 + 2 का और उसका स्क्वायर करना है 25। इसमें बिग नंबर कौन सा है? 3 है, इसका स्क्वायर करना है परफेक्ट स्क्वायर। तो 25 + 9 आ रहा है, तो 25 + 9 जब आप, तो जब हम बिग नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर आ रहा है 34। एक बार देखें ऑप्शन में, इट्स नॉट देयर इन द ऑप्शन, ठीक है? तो ठीक है, अभी हमने इसको, ये वाला बिग नंबर का स्क्वायर जो था इसको अभी हम कैंसिल कर रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग। अब यहाँ पे फिर से जब आप देखेंगे तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। एक लॉजिक और लगा देते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना, इस साइड वाला, उसका स्क्वायर करके देखते हैं।
तो देखते हैं 3 + 2 फाइव, फाइव का स्क्वायर 25 प्लस, अभी हमने क्या लॉजिक लगाया कि इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर था उसका स्क्वायर कर रहे थे, अब हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि ये जो लास्ट ये वाला डिजिट है कॉर्नर्स वाले इसका स्क्वायर करते हैं। तो जब आपने इसका स्क्वायर किया तो 29, अब ऑप्शन में देख लीजिए कि वो ऑप्शन है क्या, तो यस दिस इज एन ऑप्शन, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 29। आई एम टेलिंग यू द ऑल्टरनेटिव्स कि हम जनरली क्या सोचते हैं और फर्स्ट टाइम जो स्ट्राइक करता है वो क्या क्लिक करेगा, तो वो ही मैं उसी हिसाब से आपको हम मूव कर रहे हैं, एंड देन क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं था तो फिर हम ये कॉर्नर वाले लॉजिक पे मूव किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं और आज हमने कोडिंग डीकोडिंग का टॉपिक किया है। इफ पॉसिबल आंसर्स सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप कोडिंग डीकोडिंग का पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे, जिसका लेवल अ बिट हायर होगा एज कंपेयर टू पार्ट 1, एंड देन वी विल ऑल्सो सॉल्व द प्रैक्टिस सेट शीट ऑन कोडिंग एंड डीकोडिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, लाइक करते रहिए, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।